नगरोटा सूनिया के मन्नत अस्पताल में अब मरीजों को एक ही छत के नीचे बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। मरीजों का उपचार भी आधुनिक मशीनों द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टर मीना और डॉक्टर विशाल कुमार द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल में त्वचा संबंधी मुहासे, दाग धब्बे, चेहरे के गड्ढे भरना, छाइयां, आंखों के नीचे काले घेरे, अनचाहे बालों को लेजर से हटाना, वजन घटाना, बाल झड़ना, गंजापन आदि, इन सभी रोगों का उपचार मन्नत अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल में अन्य सभी रोगों का उपचार भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्ट्रासाउंड एवं डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तलवाड़ा मुकेरिया नेशनल हाईवे पर फतेहपुर के नजदीक एक सिरफिरे ट्रक चालक ने भेड़ और बकरियां कुचल दी। वारदात के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है फतेहपुर धमेटा से चार गद्दी परिवार करीब 200 भेड़ों के साथ खटियार से तलवाड़ा जा रहे थे कि लोह के जंगल से गुजरते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने 12 भेड़ बकरियों को कुचल दिया। इनमें से 3 भेड़ों, 2 बकरियों और 2 मेमनों की मौके पर ही मौत हो गई। भेड़ों को कुचलने के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। भेड़ों के मालिक केवल कुमार निवासी चंबा ने मामले की सूचना पुलिस थाना फतेहपुर में दी। तो हुआ क्या, ट्रक कैसे उसने कैसे किया जी? मैं जाला जी तो ट्रक वे माल में चढ़ाई जी तब उसे ब्रेक नहीं लगाई थी? नहीं लाए ना, नहीं वे माल में लाई गो गए। उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया? सामान मोन बनने छोड़ सारा ऊपर चढ़ाई जी तब। कितने लोग आपके? आपके 4-5। अच्छा 5। कितनी भेड़े मरी है? बेटा 7-8 मरी गई, भी 8-9 हो गए। उसके बाद आपने पुलिस का फोन किया? बच्चा समेत 8 है, 1-9 एक और है बकरी 10-11। पुलिस को किसने फोन किया था? पुलिस को तो मुंडे की तरह फोन दे। फतेहपुर पुलिस ने तुरंत नाका लगाकर आरोपी ट्रक चालक को दबोच लिया। थाना प्रभारी सुरेश शर्मा का कहना है कि चालक प्रीतपाल सिंह निवासी रोपड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ट्रक भी कब्जे में ले लिया है। मौके पर पुलिस टीम ने हालात का जायजा लिया। पशु औषधालय से फार्मासिस्ट मोहन सिंह मौके पर पहुंचे और घायल भेड़ों का इलाज किया। इन्फॉर्मेशन आई कि एक ट्रक जो तेज रफ्तारी से जा रहा था और जिसने जो गद्दी भेड़ बकरियां लेकर आते हैं उनकी भेड़े कुचल दी हैं और ट्रक भाग गया, जिस पर हमने एकदम नाका लगाया और ट्रक को काबू किया और मौके पर पहुंचे तो मौके पर 8 भेड़ बकरियां मरी हुई थी और 4 उसमें घायल थी, इंजर्ड हुई थी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।